हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मींस जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत बार उसमें इन बैरियर्स का आना लाज़मी हो जाता है मींस बैरियर्स क्यों आते हैं हमें देखना पड़ेगा वी मस्ट सी कि व्हाई देर आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन नो व्हाट आर द रीजंस ऑफ द बैरियर्स इन बैरियर्स में बहुत सारी बातें हैं uh, मींस Uh, because of these barriers, we find that uh, uh, there is no proper communication. no, miss, my focus <clears throat> is entirely on this proper communication, no proper. miscommunication is generally taken place. but whether the communication can be called a proper communication or not, on the basis of this, we find मीन्स वॉट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन आर लाइव बीट एकेडेमिक वन और द फ्रेंडली वन और देर इन दफिस और वेरेवर वी आर वॉट इज हैपनिंग विद दस वेन वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड इफ इट इज़ प्रॉपर वन और नॉट तो ये प्रॉपर नहीं होता है वन वी फाइंड सम बैरियर्स देर सो वॉट आर द बैरियर्स लेट असि ये बैरियर्स कौन कौन से हैं इसको हम

by the listeners you know because uh, if such kind of mistakes are there in the syntax tab bhi meaning galat chala jayega so proper use of language or grammatical use of language or syntactical use of language is very important so जो speaker ने इंटेंड किया है meaning, जब उसको उसी तरीके से नहीं समझा जाता है तो क्या हो जाता है दैट इज कॉल्ड द सिमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन और फिर ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं आ, कहा जा सकता है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज दिस तो इसमें क्या क्या होता है नो लेट अस सी इसमें होता है फॉल्टी लैंग्वेज लैंग्वेज अगर फॉल्टी है तो प्रॉब्लम हो सकती है कैसे रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बैड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड इनएडिक्वेट वोकैबुलरी मेक्स द लैंग्वेज वेग एंड फॉल्टी इसको मैं बहुत बार एक्सपीरियंस करता हूँ कि जो लोग अंग्रेजी में खास करके बात करना चाहते हैं या जिनका इंग्लिश स्पेशल सब्जेक्ट है या बहुत बार अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं लोग लेकिन हमारे तरफ मींस बहुत सारी जगह पर सही अंग्रेज़ी में बात नहीं की जाती है मींस ग्रामर को फॉलो नहीं किया जाता है उसके मीन्स बेसिक सिंटेक्स को बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता है और जब ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता है तो समझ भी नहीं आता है कि ये कहना क्या जाता है तो जैसे मैं कहूंगा कि आई आई विल 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 कम 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 टू 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 मीट 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 यू 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 टुमारो 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 तो कहूँगा ना सो जब हम बात करना शुरू करते हैं कम्युनिकेशन में और अगर आपका ग्रामर सही नहीं है आई विल फोकस ऑन दिस एम्पोसाइज ऑन दिस आस्पेक्ट ऑफ सिंटैक्स कि एटलीस्ट जब आप बात करें तो आपके भाषा में आपके बात करने में सही ग्रामर होना चाहिए चाहे आप मराठी में बात करें हिंदी में करें या अंग्रेजी में बात करें कम्युनिकेशन आई डोंट रिलेट टू इंग्लिश लैंग्वेज अलोन इट इज इन एनी लैंग्वेज तो रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड कैसा होता है पता है <coughs> जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जब हम बात करेंगे रॉन्ग चॉइस ऑफ एक्शन हो जाता है फॉर एग्जाम्पल तब भी कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा जैसे मैं कहता हूं मुझे बहुत नजदीक बहुत नजदीक नो no, बहुत नजदीक जाना है या पास ही में जाना है तो वेन आई मेक सच काइंड ऑफ नो जेस्चर तो ये दूर के लिए फार अवे नॉट फॉर नियर जब कह, मैं कहता हूं कि इट इज बिग थिंग इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग नो तो प्रॉब्लम हो जाएगी रॉन्ग चॉइस ऑफ एक्शन रॉन्ग चॉइस ऑफ जेस्टर्स जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी नो मेक सच फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे द आइडिया ऑफ हैप्पी बींगी हैप्पी होने के आइडिया को कन्वे करने के लिए मैं किस तरह का uh, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन रखता हूं मैंने ये बात आपसे कही है कि रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स ये इसी तरीके से जैसे रॉन्ग चॉइस ऑफ एक्शंस या फेशियल एक्सप्रेशन या जेस्टर्स हो सकते हैं सो so, ये फॉल्टी कम्युनिकेशन हो जाता है वेक कम्युनिकेशन हो जाता है और बात सही नहीं चल पाती मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता इन सब चीज़ों पर यूज ऑफ जागन्स स्पेशलिस्ट लैंग्वेज कोई लोगों को मैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं बहुत बार इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स दे वेरी डिलिबरेटली यूज द जागन्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ लैंग्वेज

इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दूंगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा कुछ कोई लोगों को ज्यादातर मिस मैंने तो देखा है खास करके अंग्रेजी को जो अंग्रेजी के जो टीचर्स होते हैं उनको बड़ा शौक होता है इन बातों का नो वेन दे स्पीक बिफोर द स्टूडेंट्स नो सो दे वेरी डिलिबरेटली यूज वेरी पॉम्पस लैंग्वेज काइंड ऑफ अज सीन इन जनरल कम्युनिकेशन इट इज नॉट एक्सपेक्टेड एज सच Uh, इस तरीके से हम देखते हैं कि दूस ऑफ जागरू नो दूस ऑफ जागर स्पेशलिस्ट लैंग्वेज इज वन ऑफ द बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो इसको नहीं करना चाहिए इट इज वॉट इज सेन वी गो फॉर द अदर थिंग दैट इज पर्सनल बैरियर नो रेजिस्टेंस टू चेंज इन अटेंशन लैक ऑफ ट्रस्ट लैक ऑफ अबिलिटी टू कम्युनिकेट नो एंड डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लिसनिंग और टॉकिंग पाँच बातें हैंज आर द पर्सनल बैरियर इन कम्युनिकेशन रेजिस्टेंस टू चेंज दो लोगों में जैसे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन इनमें बात कब नहीं हो पाएगी जब पेरेंट्स अगर कोई बात करते हैं और बच्चा बिल्कुल भी बदल बदलाव के लिए तैयार नहीं है देन देर विल बी द मिस कम्युनिकेशन और दैट कम्युनिकेशन केनॉट बी कॉल दी इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर टीचर जब बच्चों से बात कर रहे हैं बार बार बता रहे हैं अच्छी बातें बता रहे हैं और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है चेंज होने के लिए बदलाव के लिए सो दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द इफेक्टिव मीन्स बैड कम्युनिकेशन या फिर इन अटेंशन हम ध्यान नहीं दे पाते कि क्या कहा जा रहा है या मुझे क्या कहना चाहिए दोनों बातें इन अटेंशन या अदर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट अगर सामने वाले पर भरोसा ही नहीं है और आपने पहले ही अपना माइंड अगर कर लिया है तो विद्यूड माइंड यू कैनॉट लिसन टू अदर्स प्रॉपरली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैनोट बीकन प्लेस एस सच सो दिस ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लैक ऑफ अबिलिटी टू कम्युनिकेट मेनी पीपल यू फाइंड ऑफ अबिलिटी टू कम्युनिकेट वो बात ही नहीं कर पाते आप चाहे उनसे जिस तरीके से बात कर लो दे आर ऑलवेज टू फाइट कॉरल डाउट एंड ऑल द अदर नॉन सेंसिकल थिंग्स दे इंडल्ज इन एंड देन डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लिसनिंग एंड टॉकिंग स्पीकिंग तो बात करने में या सुनने में अगर स्पीड में कोई प्रॉब्लम है तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता सो दीज आर दर्सनल बैरियर्स देन मी से साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स सिलेक्टिव लिसनिंग ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है एक्चुअली मीन्स एग्जाम के लिए तो हम पढ़े ही लेकिन एग्जाम के साथ साथ अगर हम कम्युनिकेशन को देख ही हैं तो हमें देखना चाहिए कि दिस इज़ अ ट्रिमेंडस टेरिबल थिंग हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं या वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग है हमारी नो no. तो हम जो बात हमारे फेवर में नहीं है जो बात हमें पसंद नहीं है जो बात मैं सुनना नहीं चाहता वो बातें हम सुनते नहीं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू फाइन कैसा मिस अः जैसे कि धर्म के नाम पर कोई बात हो जाती है या जैसे कि आपके विचारधारा के अगेंस्ट में कोई बात कर रहा है या फिर आपके अपनों के बारे में कोई बात कर रहा है। या आपकी खामियों के बारे में कोई बात कर रहा है तो आप बिल्कुल इस बात को सुनना नहीं चाहते मानवीय प्रवृत्ति का हिस्सा है ये बात दिस इज अ वेरी टेरिबल थिंग हम सिर्फ वही बातें सुनना चाहते हैं कि जो बातें हमें अच्छी लगती हैं जो गलत है मेरा अपना ऐसा कहना है कि आ, किसके बारे में बात की जा रही है ये ज़रूरी नहीं है कौन बात कर रहा है ये भी बहुत बार ज़रूरी नहीं होता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स यू नो क्या बात की जा रही है वॉट इज़ बींग टॉक्ड इज़ इम्पॉर्टेंट द थिंग ऑफ टॉक बिकम्स इम्पॉर्टेंट वो ज़रूरी हो जाता है हो जाना चाहिए नो no, कि क्या कहा जा रहा है क्या मैसेज दिया जा रहा है ये सूचना मुझे क्यों दी जा रही है मेरे बारे में ऐसी बात क्यों हो रही है तो आप अगर रिसीव करना चाहोगे तो अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है लेकिन हम सिर्फ तारीफें सुनना चाहते हैं हम हमारे घर वालों के बारे में देश के बारे में धर्म के बारे में यू you नो know, या आपकी जो भी कोई विचारधारा है आपके जो भी कोई आदर्श है उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहते हो ऐसा नहीं होता है तो कम्युनिकेशन कैनॉट बी

ले लेते हैं या फिर इमोशनल एटीट्यूड्स जैसे अगर मैं आपसे कह दूंगा ऐसा मीन लेट मी टेल यू दिस थिंग अगर मैं ऐसा कहता हूं कि भारत में जो पेरेंट्स हैं दे आर नॉट द गुड पेरेंट्स ओके वो अपने बच्चों पर बहुत ही बुरा संस्कार हमेशा करते हैं फिर उनको क्या है उनको डरा कर रखते हैं उनको डरने के लिए कहते हैं उनको जात धर्म की बातें बताते हैं यू you नो know, उनके सामने झूठ बोलते हैं या उनको भी झूठ बोलने के लिए कहते हैं उन्होंने सिस्टम के साथ उनको एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है ऐसी बहुत सारी बैड पेरेंटिंग की बातें हमारे देश में हैं आप भी यू आर ऑल्सो वन ऑफ द बैड पेरेंट्स चाहे बड़े भाई भाई हो किसी के पिता हो माँ हो यू you नो know, बहन हो तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि मॉम और डैड को हमने कहा पर रहता है वी कॉल देम माओ मीज अ ग तो हम बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते कि हमारी जो आइडियाज हैं हमारे जो बिलीफ है उसके खिलाफ अगर कोई बात करता है तो बात सुनने के बजाय हम हमारे पर्सनल एटीट्यूड को पर्सनल मान्यताओं को आ, हमारे जो बिलीफ है उनको ज्यादा महत्व दे देते हैं और कम्युनिकेशन हो नहीं पाता देन अदर थिंग इज दैट इंटरफेरेंस ये पता है कि जब मैं पूरी बात मेरी कर भी नहीं पा रहा हूँ बीच में आप खुद पढ़ते हो मीस टर्न टेकिंग के लिए आपको वक्त मिलना चाहिए नो देट शुड बी द यूज ऑफ टर्न टेकिंग कि मेरी बात खत्म कहाँ पर होगी ये साइकोलॉजिकली आपकी समझ में आना चाहिए और फिर आपने वहां पर अपनी जगह ढूंढनी चाहिए इंस्टीट कि मैं मेरी बात पूरी कर ही नहीं पाया हूँ मैंने बीच में छोटा सा पॉज भी नहीं लिया है और आप अपनी बात घुसेड़ना चाहोगे इंटरफेयर करोगे नो बात करना शुरू कर दोगे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है देन वी गो फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या एटीट्यूड्स हैं इस पर भी बहुत बार निर्भर होता है कि आप बात करोगे कि नहीं करोगे ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन में एक सिस्टम में आपको कहा जाता है कि आपको ये कब बोलना है या नहीं बोलना है स्टेटस डिफरेंसेस मैनेजर जो बात करेगा नो no, एम्प्लॉय बात करेगा डेपुटी मैनेजर बात करेगा पीएन बात करेगा क्लार्क बात करेगा तो सबके बात करने का अंदाज अलग हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटस डिफरेंस स्टेटस की वजह से स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है और इनएडिक्यूट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ अभी ये फैसिलिटीज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे लेटस गो लिटिल फर्दर और हम देखेंगे कि फिजिकल बैरियर्स नॉइज हमको पता है कि जब आवाज नहीं आती हेलो हेलो आई कैनॉट हीय हेलो हेलो आवाज़ कट कर आ रहे अरे आई नॉट हियर यू सो मेनी थिंग्स आर देयर मोबाइल की वजह से आपको ये फिजिकल बैरियर बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा टाइपिंग जो अभी मैंने कहा था मेरा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था ना डज नॉट अंडरस्टूड हो गया था इट कुड हैव बीन इज नॉट अंडरस्टूड और कैन नॉट बी अंडरस्टूड लाइक दिस या फिर एलिजिबल राइटिंग हैंड राइटिंग फटीग को हैंग सारी बातें हैं जो फिजिकल बैरियर में आती है जब आपको नींद आ रही हो तो आप बात नहीं कर पाते नो बात नहीं कर यू कैन नॉट टॉक टू द पर्सन वेन यू फील स्लीपी मींस यू से मींस आवाज आपकी नो आप हैंग हो जाते हो तब आप गुस्से में हो आपको भूख लगी है तब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं इन प्रॉपर टाइम इन प्रॉपर टाइम ये बहुत मिस रात को अगर आप बारह बजे आपके घर वालों से बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर चर्चा करना शुरू कर दोगे तो इट्स नॉट अ प्रॉपर टाइम या फिर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि क्लासरूम में से जब मैं निकलता हूँ तो बच्चे पीछे आते हैं मुझे दूसरी क्लास में जाना होता है इमीजिएटली और वो बात करना चाहते हैं मुझसे मुझे कहा तो कि इमिजिएटली मेरी दूसरी क्लास है आई के नॉट टॉक टू यू लेकिन वो नहीं सुनते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है नो इट्स इन प्रॉपर टाइम किस वक्त हम बात कर रहे हैं इज़्स वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल डिस्टेंस रिसीवर इज फार अवे इट बिकम्स दूर है तो बात नहीं हो पाती नो चिल्ला कर बात करनी पड़ेगी फिजिकल बैरियर जैसे अचानक पावर चली जाती है पावर कट हो जाता है और फिर जो स्पीकर है जोर से जो 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 भी बात करने की कोशिश करेगा तो भी हॉल में जो आखिरी में बैठा है उनको बात सुनाई नहीं देगी और कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा देन वी गो फॉर दिस मैस कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग पीपल्स अवेयरनेस अबाउट नेशनल पॉलिसीज़ मास कम्युनिकेशन आपको पता है दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल थिंग उसमें बहुत सारी बातें हैं इन सब बातों की चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे कि मैस कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है मैं सिर्फ अभी बता देता हूँ आपको प्रसार भारती है उसका फिर ऑल इंडिया रेडियो है देन वी हैव दूरदर्शन यू नो फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है और ऐसी कुछ बातें हैं जिसको हम मास कम्युनिक या फिर हम वी कैन सी कि ये सारी बातें आपको पता है कि मैस कम्युनिकेशन के जो भी टूल्स है शुरू से अब तक तो ये सब आपको पता है बड़ी आसानी से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट कम्युनिकेशन के बारे में ये सारी बातें हैं अगर आप इतना कम्युनिकेशन का ड्राफ्ट ठीक से वीडियोस को बार बार देखते हो ड्राफ्ट को पढ़ते हो जो मैं आखिरी में देने वाला हूँ तो मुझे नहीं लगता कि नेट सेट की क्लास में नेट सेट के एग्ज़ाम में आपको कोई भी समस्या आ सकते हैं सो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर स्टडीज एंड फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल और आप अच्छा करें आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर इसे लाइक करें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें नो हम हाउ डिड यू फाइंड इट एंड देन गो फॉर शेयरिंग इट सब्सक्राइबिंग इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर वीडियोज थैंक यू वेरी मच